अमिताभ, तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। यहां ऐसे घुटन सी होती है। मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो, क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है। मिलने दो। रोकाय को रही तू? नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू है। सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन तेरे बारे में अखबार में पढ़ा, तू रह नहीं गया मुझसे और मैं चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू बेटा? आज तूने तिलक खानदान के नाम पर सचमुच यश का तिलक लगा दिया। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे जन्म जन्म मेरा ही बेटा बना कर। नहीं माँ, अगले जन्म में किसी मंदिर या मस्जिद की ईंट बनकर जिंदगी भर वहां रोता रहूंगा। इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख सिर्फ इस बात का है मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटा, तूने बहुत कुछ किया, मुझे सब कुछ मिल गया, तेरे दादाजी की आत्मा को भी शांति मिल गई। बस अफसोस एक ही बात का रहेगा कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ये देख, अपनी बहू के लिए रखे थे, लेकिन अब तो मां, ये कलम वाली बाई मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनेगी। सोच ले, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे।
तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे जिंदा लाशें, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हाँ, हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल। ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उसे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। ये रहे उसके कागजात। कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आए तो।
क्रांतिवीर की, क्रांतिवीर की, क्रांतिवीर की।